हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह की 6 बज रहा है। सबसे पहले तो हमारे तरफ से आप सभी को होली का हार्दिक शुभकामना है। आज हम पूरे दिन जो कुछ भी करने वाले हैं सब कुछ हम रिकॉर्ड करेंगे और आप सबको दिखाएंगे। होली का स्पेशल ब्लॉग होने वाला है, तो वीडियो को लाइक करके प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, पता नहीं क्या होने वाला है क्योंकि मौसम बिल्कुल भी साफ नहीं है। लगता है बारिश आने वाला है, और अगर बारिश हुआ तो आपकी बार होली जो है घर पर बैठ के बनाने पड़ेंगे, और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। देखो पीछे की मौसम, बिल्कुल धूप भी नहीं निकला हुआ है, और हम इंतज़ार कर रहे हैं थोड़ा सा धूप वगैरह निकले, उसके बाद फिर होली का जश्न मनाया जाए। आप देखते हैं क्या होने वाला है। सबसे पहले चाय पी लेता हूँ, उसके बाद बाकी बात करेंगे। ओके तो गाइस, ये देखो हमारे बच्चे अभी सुबह सुबह सारे बर्तन धो रही है। सबसे पहले बर्तन धो रहा है, उसके बाद बनेगा होली। और मैं अभी जा रहा हूँ, ये मेरी गुड़िया है लिया, उठ गई है। हेलो बोलो बेटा, बोलो हैप्पी होली। ठीक है, और अभी मैं जा रहा हूँ मछली लेने के लिए मार्केट में। देखते हैं क्या कुछ मिलते हैं। तो गाइज, फाइनली हम मच्छी मार्केट पहुँच गए। एक्चुअली हमारी बाज़ार में एक नया दुकान खुली है मछली का। इन्होंने एक छोटा सा तालाब जैसा बना के रखा है, वहाँ पर बहुत सारी जिंदा मछली लग रखा है, और उसमें से आज हम छाट छाट कर 3 किलो मछली लेकर जाएंगे, क्योंकि घर में दो परिवार है, शेषा जुना है और उसमें 2-4 बच्चे हैं, बाकी 2-4 लोग हैं। तो 3 किलो मछली ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा है। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले ना कुछ छोटा सा तालाब को दिखाता हूँ जहाँ पर ये लोग जिंदा मछली रख रखा है। ये देखिए, ये रहा मछली। अब इनमें से 3 पीस पकड़वाएंगे और उसके बाद उसको तोल कर देखेंगे कितना वजन है। वैसे इस मछली का साइज़ ज़्यादा नहीं, 1 किलो, 1.25 किलो, 1.5 किलो, 1.25 किलो तक ही है मैक्सिमम। उससे ज़्यादा बड़ा नहीं मिला यहाँ पर। ये देखिए पूरा एरिया पूरा का पूरा जो है पानी से भर रखा है ताकि मछली ज़िंदा रहे। अब ये बंदा उतार रहा है, और हमने इसे कहा है कि बढ़िया बढ़िया देख के 2 से 3 पीस हमें पकड़वा दे दीजिए। ये रहा, वो छूट गया भाई। ये दूसरा पकड़ा गया, ये देखो 1 किलो 1.25 किलो का पीस है ये, लेकिन हमें थोड़ा छोटा लगा इसलिए कहा छोड़ दो भाई, थोड़ा सा बड़ा पकड़ो। फाइनली गाइस 2 पीस देखिए बड़ा मिल चुका है। ये रहा है हमारे मास्टर जी, 2 पीस बड़े लेकर आए हैं। अब इसको तोलेंगे और इसके बाद 1 पीस और लेंगे, क्योंकि 2 से हमारा बात बनी नहीं। ये 2 किलो का ही हुआ है, तो 2 किलो में मज़ा नहीं आने वाला। मेरे गुड़िया ने कहा पापा मुझे रंग लगा दीजिए, आज होली है, तो मैं सबसे पहले उसे ही रंग लगाया। ये मेरी छोटी वाली गुड़िया है, इसका नाम दिया है। ये देखिए मुझे रंग लगा रही है। उसके बाद मैं अपने बड़ी वाली लड़की को बुलाया, बेटा आ जाओ तुम भी लगा लो, क्योंकि आपकी बार होली परिवार के साथ मनाना है। गाइस, ये मेरी बड़ी वाली लड़की है, इसका नाम आरती है, और हमारे जस्ट बगल में पड़ोस में रहते हैं मेरी बेटी की सहेली है, साक्षी नाम है इसका। तो गाइस चलो, आप फटाफट है ना मछली को क्लीन कर लेता हूँ। 3 किलो मछली धोने में गाय देखो वक्त तो लगता ही है, तो फटाफट कोशिश करता हूँ कि इसको फटाफट जो है हम इसको धो के बढ़िया तरीके से मसाला वगैरह डाल के फ्राई करें। तो गाइस ये देखिए, ये मटर ये जस्ट अभी अभी उबाल के लेके आया हूँ, ये नाश्ते के लिए है, और बाकी थोड़ी देर बाद होगा। ये मटर मुझे बहुत पसंद है, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा पानी डालकर इसको उबाला गया है, और इसको खाने का तरीका ऐसा है। तुम भी खाओ बेटा, खाओ खाओ खाओ। नहीं खाना मुझे। खाओ। नहीं पापा। बट टेस्ट नेक्स्ट लेवल है, खाओ। सारे पहलवान फौज देखो मेरे पीछे खड़ा है, देखो ठीक है चलो। अरे खाओ नाश्ता तो खाओ। टेस्ट गाइस क्या बताओ, ऐसे पकड़ने का और पूरा मुंह में देने का। हाँ तो गाइस मछली मैंने धो लिया और चिकन भी धो लिया। अब ये देखिए सिलेंडर भी मैं लेके आया, उधर ये रहा सिलेंडर लेके आया हूँ। अब यहाँ पर चूल्हा लगने वाला है, गैस वगैरह लगा कर यहीं पर उसको फ्राई करेंगे, बिल्कुल तल देंगे पूरा का पूरा, और आराम से बैठेंगे फिर होलिया वगैरह रंग वगैरह लगाएंगे और यही बैठ कर खाएँगे, पूरा फैमिली के साथ फुल इंजॉय करेंगे। मैं सुबह मॉर्निंग में एक रील पोस्ट किया था, आप लोगों से कहा था कि आप लोग आपकी बार होली परिवार का साथ मनाइए, प्लीज़ अपनों के साथ मनाइए, साल में एक बार आते होली तो कम से कम आज का दिन तो अपनों के साथ मना लीजिए। ओके तो चलिए फटाफट मैं नाश्ता कर लेता हूँ, उसके बाद बाकी दिखाता हूँ।
तो गाइज आप बारी है मसले में मसाला वगैरह मिलाने का और उसके बाद ज़बरदस्त तरीके से इसको फ्राई करने का। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ फटाफट कौन सा मसाला हम इसमें डालने वाले हैं। वैसे फ्राइड के लिए तो आप कुछ भी डाल सकते हो, लेकिन फिर भी थोड़ा स्पेशल है मसाला हम आज ऐड करेंगे। ये है गाइज सबसे पहले कश्मीरी लाल मिर्च, और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे जीरा का पाउडर, और उसके बाद हम ऐड करेंगे गाइस पिसा हुआ हरी मिर्च और लहसुन प्याज का पेस्ट, ये भी बिल्कुल भर भर के। आज थोड़ा सा यूनिक होने वाला है, और इसके साथ हमने एक नया चीज़ ऐड किया है, वो है गाइस कच्चा सरसों, वो भी थोड़ा सा कच्चा जो सरसों है ना उसमें टेस्ट में बदलाव आ जाता है, बहुत अच्छा यूनिक सा टेस्ट लगता है। अब उसके बाद थोड़ा सा हल्दी और फिर थोड़ा सा नमक, अब अच्छी तरह से इसको मिला लेते हैं। अब देखिए एकदम परफेक्ट तरीके से हमने इसको मिला लिया। अब गाइस चलते हैं चूल्हा की ओर और फटाफट डालते हैं चूल्हा के ऊपर। तो गाइस ये रहा बिल्कुल तैयार और गर्मा गर्म। चलिए अब फटाफट सारे फिश को जो है ना जल्दी जल्दी से फ्राई कर लेते हैं और देखते हैं कैसा बना है कैसा नहीं बना है। गाइस लुक देख के आपको कैसा लग रहा है, सबसे पहले तो आप ये बताओ, लग रहा है ना गजब की, देखिए आए हाय एकदम मुँह में पानी आ रहा है। गाइस फिश लवर के लिए तो आज चार चांद हैं, बताओ कितना अच्छा लग रहा है। तो फाइनली गाइस हमारा फिश जो है ना बिल्कुल फ्राई हो चुकी है। इसका कलर देखो आप, टेक्सचर देखो, फिनिशिंग कितनी गजब की लग रहा है। अब गाइस सारे को फटाफट उतार लेता हूँ, उसके बाद जो है ना करेंगे टेस्ट। तो गाइस ये देखिए टोटली जो फिश था ना ये सब फ्राई हो चुका है, पूरे के पूरे 3 किलो। अभी सब लोग आएंगे और सब बैठ कर एक जगह पर इसको इंजॉय किया जाएगा। आज हम लोग कहीं नहीं गए हैं, कुछ नहीं किए, सब घर के ऊपर ठहरे हुए हैं, क्योंकि आज हम फुल घर पर ही इंजॉय करेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। क्योंकि ऑलमोस्ट होली में कहीं ना कहीं हम घूमते रहते कुछ करते रहते, लेकिन दोस्तों आपकी बार जो होली है ना हम सब घर पे मनाएंगे। और टोटल फिश फ्राई बिल्कुल देखिए तैयार है, आप सब लोग आएंगे और बैठ के आराम से इसको इंजॉय किया जाएगा। तो चलिए इंजॉय करते हैं। तो गाइस फाइनली सब लोग आ चुके हैं, आप बैठते हैं खाना खाने के लिए। ये देखिए साथ है कुछ पूरी वगैरह, ये स्नैक्स, और 2-4 पीस वो छोटा वाला प्लेट में चिकन भी है। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली गाइस जो पहला बाइट लिया ना मछली का, क्या बताओ क्या फ्लेवर आ रहा है, क्या टेस्ट आ रहा है। हे गाइस अभी शाम की 4 बज रहा है और ये देखिए गुजिया, भूख बहुत लगा है। नेक्स्ट लेवल। तो गाइज ये देखो ये बना है छोले का सब्जी रात की डिनर में, और बना है दिखाता हूँ। तो गाइज ये है स्पाइसी फिश करी बिल्कुल बंगाली स्टाइल में। तो चलिए फटाफट प्लेट में उतारते हैं और देखते हैं आज टेस्ट कैसा आने वाला है। तो गाइज रात की नाइट डिनर बिल्कुल तैयार है। ये देखो बिग फिश हेड, पहले साइज देखो आप, है ना जंबो साइज। तो जी आ जाओ इज्जत से और लेते हैं पहला बाइट, देखते हैं टेस्ट कैसा है। रोटी के साथ फिश करी बहुत दिनों बाद ट्राई करने वाला हूँ। तो गाइस ये रहा कुछ कंडीशन। नेक्स्ट लेवल। और आप सबको ये छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो गाइज आज के ब्लॉग में यही एंड करता हूँ। ये ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, वही एक चीज़ है जो मुझे मोटिवेट देता है, बाकी तो आप लोगों को पता ही है कुछ नहीं है। तो गाइज नेक्स्ट।